एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार और दो स्कूटियों में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में स्कूटियों पर चार लोगों की मौत हो गई, वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। यह हादसा टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। बताया जा रहा है कि नेम बहादुर चंद और उनके परिवार के लोग नेपाल से लौट रहे थे, तभी उनकी स्कूटियों की टक्कर सनिया नाले के पास खटीमा की तरफ से आती हुई कार से हो गई। इस टक्कर में नेम बहादुर चंद और उनके परिवार वालों की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं कार चालक की तलाश की जा रही है। टनकपुर रोड पर जगरपुर चौकी क्षेत्र में पड़ता है, एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें एक फोर व्हीलर से दो स्कूटियां टकरा गई हैं और जो स्कूटी में जो सवार थे उनको जब यहाँ हॉस्पिटल लाया गया तो चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है और जो कार चालक है उसकी तलाश जारी है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।